बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। मोजज़ ख़वातीन हज़रात, मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा इस्लामाबाद गई हुई हैं। इस्लामाबाद में मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा की मुलाकात मारूफ सियासी व समाजी कारकुन जफर खान अल मारूफ जफर सुपारी के साथ हुई। मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा और जफर सुपारी की मुलाकात बहुत ही खुशगवार मूड में हुई। दोस्तों, जफर सुपारी का कहना था कि एक औरत होने के नाते और एक ऐसे खानदान की औरत होने के नाते कि जिनकी औरतें सियासत में हिस्सा नहीं लेती, जैसे आपने अपने खानदान की सियासत को संभाला है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जफर सुपारी का कहना था कि आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब मुश्किल वक्त आपका गुजर चुका है। लोगों की आपके साथ मोहब्बत और हल्के के लोगों का आपका साथ देना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। जफर सुपारी ने मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा को अपनी हर किस्म की हमायत का यकीन दिलाया। मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा ने जफर सुपारी का मेहमान नवाजी और इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया अदा किया और जब भी फैसलाबाद आए तो उनको डेरे पर आने की भी दावत दी। जफर सुपारी का कहना था कि जिस जज्बे के साथ आप अवाम की खिदमत कर रही हैं, आप 2023 का MNA का इलेक्शन जीत चुकी हैं। जफर सुपारी का कहना था कि मुझे आपसे मिलकर इंतहाई खुशी हुई, मैं हर मैदान में आपका साथ दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।